दोस्तों, मैं भी काश कुमार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही गजब का एक जमाल स्टेज डेकोरेशन स्टार्ट से सिखाऊंगा कि कैसे डेकोरेशन किया जाता है, क्या क्या लगता है। तो सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, कितनी चौड़ाई में कितना मेज लगता है और क्या क्या लगता है। तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 15x15 का ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये टोटल ये 15 फीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें कितना मेज लगाया गया है, मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये फ्रंट से आपको 3 मेज दिख रहा होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है फ्रंट से ये 3 मेज लगा है और ये 5-5 फीट का ये पूरा टोटल ये 5-5 फीट का ये मेज है। और देख लीजिए दोस्तों, ये साइड से ये आपका 6 मेज लगाया गया है। तो ये हमारा जो है टोटल ये हमारा 6×18 मेज ये टोटल इसमें लगाया गया है। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो है 15x15 के स्ट्रक्चर में आपका ये टोटल 18 मेज लगाया गया है। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो है ये स्टेज बन रहा है। तो मैं आपसे को बता दूँ, स्टेज की साइज में आपसे को बता दूँ, 8x15 में ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसको पूरा खड़ा किया जाएगा। तो देख लो दोस्तों, किस तरह से इसको बांधा जा रहा है, किस तरह से इसको सेटिंग किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को राउंड पे भी कपड़ा कैसे लगाया जाता है उसके बारे में भी मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वाली, ऐसे ही डिटेलिंग वाली वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा एंड सिखाता रहूँगा। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो है इसे बांधा जा रहा है, किस तरह से पूरा सेटिंग किया जा रहा है। तो आप भी अगर चाहें तो इसी तरह सेटिंग कर सकते हैं, इसी तरह से बांध सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो 8 फीट का राउंड ऊपर रखा गया है, हाफ हाफ राउंड रखा गया है। अभी इसको ज्वाइंट किया जाएगा, अभी इसको बांधा जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से मैं आप सभी को पहले फ्रंट से दिखा दे रहा हूँ किस तरह इसका लुक लग रहा है। अभी जो है मेज लगाया गया है, इसको बांधा गया है, इसको कहीं पर ये हिले ना गिरे ना। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है पूरा कम्प्लीट ये तैयार किया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 8 फीट राउंड है। मैं आप सभी को राउंड पे कैसे कपड़ा लगाया जा रहा है तो मैं आप सभी को इसके बारे में भी बताऊंगा एंड सिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे जो 8 फीट का राउंड में कपड़ा लग चुका है। और देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से कपड़ा लगाया गया, किस तरह से इसको पूरा लगाया गया, सेट किया गया है। और देख लीजिए दोस्तों, इस पर कहीं पे भी आपको चुन्नट नहीं दिखेगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीके से इस पर लगाया गया है और कम तार यूज करके इसको सेट भी किया गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा तार लगाते हैं तो कपड़े का फटने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप कम से कम तार लगाइए। तो देख लीजिए दोस्तों, किस तरह इसको बांधा गया, किस तरह इसको सेटिंग किया गया है और कम से कम तार में और कम से कम कपड़े में ये पूरा राउंड पे कपड़ा सेट कर दिया गया है और पूरा कंप्लीट इसको बांध दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जो है कि इसको कपड़े को टाइट नहीं कर पाते, बना नहीं पाते हैं। अगर जिनको नहीं बनाने आता, जिनको नहीं करने आता, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, ज़रूर सीख जाएंगे और ज़रूर से ज़रूर जान जाएंगे। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा पूरा कंप्लीट 8 फीट का राउंड रखा गया है। तो देख लो दोस्तों, किस तरह इस पर बांधा गया, किस तरह से इसको पेंट किया गया, किस तरह से इसको पूरा सेटिंग किया गया। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो बैकग्राउंड जो है तैयार हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है, किस तरह से तैयार हो रहा है, किस तरह से पूरा सेटिंग किया जा रहा है। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो है कोनियाँ लगाया जा रहा है, फाइबर मटेरियल की कोनियाँ लगाए जा रहे हैं और किस तरह से इस पर बैकग्राउंड कपड़ा टाइट किया गया है, पूरा सब कुछ डिटेल में बताऊँगा किस तरह से और कैसे टाइट किया गया है। और ढीला नहीं लग रहा है, एकदम टाइट है और उसमें चुन्नट भी आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस तरह का अगर चुन्नट वाला आपको भी टाइट करना है, आपको भी कपड़ा लगाना है, तो ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर नया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे ही अमेजिंग वाली, डिटेलिंग वाली वीडियो मिस कर देते हैं और जानकारी नहीं पा पाते हैं। तो ये चीज़ जानना है, सीखना है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा पतंग रखा गया है और ये देख लो दोस्तों, ये WPC रखा गया है। देख लो दोस्तों, ये हमारा WPC है और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पैड वाला फूल है। तो इस चीज़ को अगर बाई करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को कम से कम रेट में, कम से कम प्राइस में मैं आप सभी को इसको बाई करवा सकता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 8x15 का स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर क्या है, हम लोग इस पर फूल और कोनिया चाबी हुई टोटल मारेंगे। और देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा आप सभी को दिखा दे रहा हूँ,
ये हमारा जो है स्टेज है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आप सभी को इसका बैकग्राउंड में दिखाऊंगा, इसको कैसे सपोर्टिंग से किस सपोर्टिंग से खड़ा किया गया, कैसे ये पूरा खड़ा है और ये पूरा कैसे ये टिका है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको जानना है सीखना है प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पर जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आप सभी को और भी डिटेल में बताऊंगा। तो देख लो दोस्तों, मैं आप सभी को ये दिखा दूँ ये कैसे टिका है, कैसे इस पर कपड़े में चुन्नट मारा गया और कैसे इसको पूरा ढीला नहीं है, कपड़ा एकदम टाइट है। देख लो दोस्तों, इस तरह का अगर आपको डेकोरेशन सीखना जानकारी लेना तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पर जरूर ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमारा स्टेज जो है कंप्लीट हो चुका है और इसका मैं आपसे को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपसे को बता दे रहा हूँ इसका बैकग्राउंड, इसको कैसे खड़ा किया गया, कैसे इसको बांधा गया, कैसे इसको टिकाया गया है, तो सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में ही बताऊँगा और इस वीडियो में ही सिखाऊँगा एंड पूरी जानकारी पूरी डिटेलिंग इसी वीडियो में मैं आप सभी को दूँगा। तो देख लीजिए दोस्तों क्या क्या लगाया गया है, देख लीजिए पैड वाला फूल लगाया गया है और पतंग भी 10 पीस लगाए गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है फाइबर मटेरियल का 2 कोनियाँ लगाया गया है। देख लीजिए दोस्तों ये पैड वाले फूल लगाए गए हैं, जो एक पीस छाता भी लगाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों ये और ये ब्लोशन फ्लावर भी लगाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से पूरा डेकोरेशन किया गया, किस तरह से पूरा कंप्लीट काम किया गया। देख लो दोस्तों दोनों साइड में ट्रस्ट पे ये WPC भी लगाया गया है, जो हमारा WPC डिजाइन में कटिंग होता है। देख लो दोस्तों मैं आपसे को बैकग्राउंड दिखा दूँ, पीछे से दिखा दूँ किस तरह से इसको रोका गया, किस तरह से पूरा काम किया गया है। तो मैं आपसे को असली तरीका असली डेकोरेशन का पूरा जिस तरह से असली डेकोरेशन किया जाता है, ये ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो पहले क्या करते हैं कपड़े को चढ़ा लेते हैं, कपड़े को टाइट कर लेते हैं, अलग अलग ट्रस्ट को बांधते हैं तार से, तो उस तरह से तार से मत बांधा करिए क्योंकि ये जो है मौसम इस समय का ख़राब आने वाला है, क्योंकि आने तूफान चलेगा, आम गिर सकता है, किसी को चोट लग सकता है, तो इस तरह का डेकोरेशन मत गिर। तो ये असली तरीका है इसी तरह से डेकोरेशन किया करिए, ये पूरा कम्प्लीट बांध के ज़रा सा भी लापरवाही ना करा करें। देख लो दोस्तों इसी तरह से पूरा ट्रस्ट को पहले क्या है बांध लिया करें जिस तरह से हमने बांधा है, और इसी तरह से ये देख लो दोस्तों इसका सपोर्टिंग इसी तरह से दिया करिए। ये असली तरीका डेकोरेशन का असली तरीका यही है कि इसी तरह से बांधना, इसी तरह से आपको सपोर्टिंग देना है। तो देख लो दोस्तों ये हमारा जो है पाइप किस तरह से ट्रस्ट में बांधा गया, किस तरह से इसको रोका गया, किस तरह से इसको टिकाया गया है, मेज भी बांधा गया, और देख लो दोस्तों कपड़ा टाइट करने के लिए बैकग्राउंड कपड़े टाइट करने के लिए किस तरह से बांधा गया, किस तरह से इसको पूरा देख लो दोस्तों। आप भी अगर चाहें तो इसी तरह से कपड़े को टाइट कर सकते हैं, इसी तरह से बांध सकते हैं, सारा कपड़ा आपको इसी तरह से ही बांधना है। देख लो दोस्तों ये हमारा जो है फ्रंट का ये हिस्सा है, जो जयमाल स्टेज जो फ्रंट का ये पीछे का हिस्सा मैं आप सभी को दिखा ही चुका हूँ कि इस तरह से इसका लुक था, किस तरह से इसका व्यू था। तो आपको इसी तरह से डेकोरेशन करना है, उसी तरह से पूरा सेटअप करना है। देख लो दोस्तों किस तरह से डेकोरेशन किया गया, जो बहुत ही यूनिक बहुत ही गजब का डेकोरेशन किया गया। तो इस तरह का ये डेकोरेशन जो है इसी तरह से डेकोरेशन करना चाहिए, जो असली डेकोरेशन का तरीका यही है दोस्तों कि इस तरह से बांधा करिए, इस तरह से पूरा सेटिंग किया करिए। तो देख लीजिए दोस्तों अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही डिटेलिंग वाली ऐसे ही अमेजिंग डिटेलिंग वाली वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा एंड सिखाता रहूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों बाय एंजॉय माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, देखने दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए दोस्तों गुड बाय।